subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. असरा नाजरी प्रोग्राम जवाब खपे संगत माह इम्तियाज मीर जीआईटीज उजेर बलोच साहब बलदिया फैक्ट्री ए निसार मोराई जी पब्लिक थी वही है जीआईटी अपलोड थी वही आ होम डिपार्टमेंट ए मुल्क के अंदर माइनस जी जो जिक्र थो है त माइनस वन ए माइनस थ्री परेशान हुकूमत आ या ऑपोजिशन आ इन गाल हस्ती में दाव दिनी है नुसरत वाहिद साहब पीटीआई जी एमएनए आए सीनियर रहनुमा मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में उन मोहतरम जनाब लालचंद उकरानी साहब पीपी एमएनए आ सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान माइनॉरिटी विंग जो प्रेसिडेंट आ सर मैं तक वेलकम चाहता टेलीफोलाइन से मोहतरम जनाब बैरिस्टर जमीर घुमरो साहब है सीनियर कानूनदार जहाँ अटॉर्नी जनरल भी रही चुका सर तक भी वेलकम चाहूँ प्रोग्राम में थैंक यू जनरल सर कें था दिसो इन जो इम्पैक्ट केतरो पौंदो कानूनी हैसियत चाहे जीआईटीज जेको आ सिंध गवर्नमेंट पब्लिक करे छियूं आइन अपलोड करे छियूं आइन डाढो प्रेशर हो गवर्नमेंट ते एक तरफ पीटीआई जी गवर्नमेंट बार बार उन जो जिक्र करे पियो कानूनी तौर इन जो केतरी इन जी इंपॉर्टेंस आ छा चंदो सर कानूनी तौर ते जीआईटी जी जीआईटी जो को भी एविडेंशियल वैल्यू आए कोन जीआईटी जो एविडेंशियल वैल्यू एतरो ही आ तो जी अस 161 सीआरपीसी में पुलिस के अगर स्टेटमेंट दींदा उन्हेंो जो सो कोर्ट को भी नोटिस न वी या चवन तो यो एडमिजबली ना एविडेंस में तो जीआईटी भी इं है जो सो पुलिस के अगर स्टेटमेंट है उन्हें एविडेंस वैल्यू जो सो एविडेंशियल वैल्यू वो जीरो आ उन्हें करे उन्हें के एतरी अहमियत दियण जीआईटी के बुनियाद से केस बनाण जीआईटी के बुनियाद से जो सो मुल्की सियासत कर जीआईटी के बुनियाद से जो सो मानू के डिफेम कर मुझे ख्याल में यो तमाम जो सो गलत हरकत आ त मुल्क जो जो कानून आ उनके बाईपास करे तां जीआईटी से वो केस प्रूव कर अग में मानू के डिफेम करो यो बिल्कुल मुल्क के आइन के खिलाफ आ कानून के भी खिलाफ आ जीआईटी की का भी सो एविडेंसरी एविडेंशियल वैल्यू को भी कानून में सर लगते पूरी सियासत थी थे यो बिल्कुल एक पॉलिटिकल टूल आ जो मानू एक कस्टडी में आना कड़ो बयान वी बे मानू के खिलाफ एविडेंस में इस्तेमाल करो ना करो बो जीआईटी को माना लीगल वैल्यू आए को बार बार कोर्ट्स जा जजमेंट्स सियासत कई थी वे उन बुनियाद से मानू के लोयो तो वे मानू के डिफेम किया तो वे जे मू यारह साल जेल में रहा उन इल्जाम साबित न थो वरी उन बीहर बे प्रोसेस में वरी उनके जो प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब आ तो वरी उनके तां जो पॉलिटिकली तां टारगेट बनाए उनके जीआईटी के बुनियाद से जो सो उन जीआईटी सिंध गवर्नमेंट रिलीज कर उनमें पदरो थी वो दे हैव नथिंग इनमें उनके सियासी तौर से इस्तेमाल कर सियासत में इनके गाल के वी अच मुझे ख्याल में यो नामुनासिब रवैयो इनमें जो रियासत के निकल घुर्जे जीआईटी में सर जो उजेर की जीआईटी में ना आसिफ जरदारी साहब जो जिक्र आ ना फरियाल टारपुर एक ही गाल बी गाल या तो पीटीआई की कयादत जो असेंबली के अंदर यो जिक्र थी करे ब टी पीपल्स पार्टी इनके कॉन्स्टिट्यूट किया हो पान खबर ट्यों देर छो कई वही हुई इनके पब्लिक कर हाँ इनके पब्लिक कयो वो अग में इनके पब्लिक कयो वने पियो प्रेशर हुयो अग में प्रेशर हुयो खौफ हुयो तनकीद थींदी छा थींदो इनते छा चंदो छा के पब्लिक कयो वने आहे छा केडो डॉक्यूमेंट आ केडो इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट आ जेको सिंध गवर्नमेंट ते लीगली बाइंडिंग आ त सिंध गवर्नमेंट उनके पब्लिश करे आउट करे उन में आहे छा मतलब एकडो अक्यूज्ड आ जेको सिंध गवर्नमेंट जे कस्टडी में ना है उने जी जो काज स्टेटमेंट आ उने जो लीगल वैल्यू को उनके सिंध गवर्नमेंट छो पब्लिश करे छा दे करे करे अंडर व्हाट लॉ अंडर व्हाट लॉ जेको आ सो सिंध गवर्नमेंट या बाउंड आ जेको आ सो कहीं भी उनके जीआईटी के जो ओपन करे उनके बुनियाद से कोई केस ही दाखिल न किया उनकी का वैल्यू कोन थी उनकी का इंपॉर्टेंस ही कोने लीगल तो मुझे ख्याल में ही जो सिलसिलो हलंदो पियो अचे घणे वक्त का तो तहां जो सो दिसो तो
पाछो माण्हुनि खे माण्हू जो जेको आहे सो तव्हां अॻु में पब्लिक ट्रायल था कयो, हुन खां पोइ केसिस में कुझु कोन थींदो आहे। तव्हां ॾिठा हूंदा त पोलिटिकल केसिस में छा थियो आहे अॼु ॾींहं ताईं, कहिड़ा कहिड़ा पोलिटिकल केसिस जेको आहे डिसाइड थिया आहिनि, कंहिंखे कंहिंखे कन्विक्शन आई आहे। मुंहिंजे ख़्याल में इहो हिकिड़ो पोलिटिकल 1949 खां प्राडो, वरी अयूब जो एबडो, वरी जेको आहे मुशरफ जो नैब, इहो हिकिड़ो पोलिटिकल विक्टमाइज़ेशन जी कंपेन आहे जेका मुसलसल हिस्ट्रीअ में हलंदी पई अचे, ऐं इहा हींअर दोहिराइजी रही आहे वरी साॻे नमूने सां। त मुंहिंजे ख़्याल में इन में पवण जे बदिरां माण्हुनि जा तव्हां मसला हल कयो, माण्हुनि जा जेके मुल्क जा जेको आहे एॾा मसला थी विया आहिनि जंहिंखे जेको आहे हुकूमत हल नथियूं करे सघनि, उन ते जेको आहे ध्यानु ॾिनो वञे, बजाए जो हीअ जेका कंपेन आहे सिमियर कंपेन अगेंस्ट पोलिटिकल लीडरशिप, उन ते ध्यानु थो ॾिनो वञे, ऐं उनजी वैल्यू कहिड़ी आहे, का वैल्यू कोन्हे का। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी सर तव्हांजो इनपुट अचो, कानून इनपुट। मैडम इसका कोई आईनी का कोई कानूनी हैसियत नहीं है, GIT आज गवर्नमेंट ने पब्लिक कर दी थी, अली जैदी साहब ने बड़े इल्ज़ाम लगाए थे असेंबली के अंदर, आज तो ये क्लियर हो गई क्योंकि बैरिस्टर साहब ने कहा कोई इसकी कानूनी हैसियत नहीं है। क्योंकि मैंने कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू उनसे पूछा, क्योंकि मैं सियासी बात आपसे कर सकता हूँ, कानूनी बात आपसे मैं नहीं करूँगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए बैरिस्टर साहब को ज़्यादा पता होगा, ज़ाहिर है मैं लॉ की स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कम अज़ कम ये तो हुआ कि रियलिटी लोगों को पता चल गई। क्योंकि अभी तक एक सस्पिशन था कि पता नहीं क्या हुआ है, पता नहीं किस तरह हुआ है, किसने किया है, क्यों किया है, वजह क्या बनी। तो ये सारी चीज़ें अगर सामने आ जाएँ आवाम के, बेशक उसकी कानूनी हैसियत नहीं है, बेशक जो मुलव्वस हैं लोग उनको सज़ा ना हो या वो ना पकड़े जाएँ या मुलज़िम ना करार पाए जाएँ, वो अलग चीज़ है बिल्कुल, लेकिन एटलीस्ट लोगों को पता चल जाना ज़रूरी था, वो हो गया है आज के उसके बाद, कि अब ये पता चल गया कि कितने पैसों के लिए किसने किस तरह उनको जलाया है बाकायदगी से। ज़ाहिर है बाहर ताले लगे हुए थे और भत्ता मांग रहे थे, वो भत्ता नहीं मिला तो उसकी वजह से उनको जलाया गया। अब उसमें कौन इन्वॉल्व है, कौन नहीं इन्वॉल्व है, ये लॉ बेहतर जानता है, हम लोग इसके बारे में नहीं जान सकते, और जो उन्होंने कहा है वो ठीक है। ठीक है, जी तो उजैर बलोच जी, GIT में क़यादत जो को जिक्र ना है, को पार्टी जो को जिको जिक्र ना है, का शइ अड़ी नथी अचे, जी तो ज़मीर साहब भी यो जिक्र कियो, पर उन चो तो पब्लिक करण जी का ज़रूरत ना है, एकड़ो स्टेटमेंट जी थींदो उन वांगुर उन चिटी गाल करे छड़ी, सियासत इन ते थी आए, हर शइ थियो आए, जेके पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग इन ते थिए थी, इल्ज़ाम थियनि था, टारगेट कयो थो वञे, सिंगल आउट कयो थो वञे। महिरबानी इम्तिहान, वाकई बैरिस्टर ज़मीर घुमरे तमामु सुठे नमूने सां डिस्क्राइब कयो त हिन जी जेकॾहिं का एॾी कानूनी हैसियत कोन हुई त पोइ इन खे इन शइ जी ज़रूरत कहिड़ी हुई हिन वक़्तु। मूंखे अफ़सोस थो इन ॻाल्हि जो थिए, मिनिस्टर PTI जो अली ज़ैदी फ्लोर द हाउस ईअं थो चए त पीपल पार्टी जी अला क़यादत जा नाला वठी उहो थो चए त हिन GIT में शामिलु आहिनि। मिनिस्टर जहिड़ो माण्हू अदरवाइज़ में इस्तीफ़ा ॾे दूंगा त माना एॾी ॻाल्हि करई ऐं इन ॻाल्हि जी कहिड़ी ज़रूरत। हा, असल ॻाल्हि हिन जो इहो त मूं अॻु में प्रोग्राम हिकिड़े में चयो, हे जेके असां वटि अनाड़ी टाइप जा माण्हू अची विया आहिनि चोर दरवाज़े मां, उनखे का बि ख़बर न आहे, का बि ॼाण न आहे। हा, बैरिस्टर साहबु ॾिस तव्हांजे अॻियां सॼी ॻाल्हि क्लियर करे विधी न, हीअ हिकु पीपल पार्टी त कोन्हे, पर हीअ जेका जनरली GIT जे बारे में हुनजी कानूनी हैसियत छा आहे, छा आहे, कीअं हुअणु खपे, छा हुअणु खपे, पेश थियणु खपे न खपे, अली ज़ैदी नाला वठी जेको इल्ज़ाम आयो इन जे करे पाकिस्तान पीपल पार्टी सिंध गवर्नमेंट हुनखे साम्हूं टेबल रखी छॾी, वरना हुननि जी का वाकई ज़रूरत हीअं हुई बि कान। अच्छा, बग़ैर सबूत जे, बग़ैर ॻाल्हि जे, बग़ैर हुन जे, बग़ैर नाला आहिनि ई कोन, फ्लोर द हाउस मिनिस्टर जो लेवल जो माण्हू ऐं हाणे इस्तीफ़ा ॾियण लाइ बि तयारु कोन्हे, हाणे ड्रेस ड्रामा पियो करे। ऐं सम्झां थो त इहा ॻाल्हि हुन ग़लति कई, हे सिर्फ़ु इंतकामी कारवाई वठण जो तरीक़ो पिया ढूंढनि त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां पाकिस्तान पीपल पार्टी खे उलझायूं। ऐं अली ज़ैदीअ खे ॿुधाइण थो चाहियां त तूं छा आहीं, तूं त हींअर वज़ीर थियो आहीं, असां इहे शयूं भुगते आया आहियूं। असांजे प्रेसिडेंट आसिफ़ ज़रदारी साहबु 11 साल जेल कटे आयो आहे। असां पाकिस्तान पीपल पार्टीअ जी क़यादत शहादतूं माणियूं आहिनि, तूं त हिकिड़ी आङर मां रत जो फुड़ो बि कढाए नथो सघीं, ऐं फ्लोर द हाउस ख़बर नाहे कंहिंजे चवण ते हेॾियूं ॻाल्हियूं पियो करीं। ऐं इहो ई थो चवां त अवीं पंहिंजो भई कमु कयो, मुल्क खे मज़बूत कयो, मुल्क जी इकानमी खे मज़बूत कयो। कोरोना वबा लॻी पई आहे जे असांजे मुल्क खे ख़तमु पई करे, तबाह पई करे, उन जे लाइ कोई प्लेन ठाहियो त असांखे छा करणो, न पीपल पार्टी जे ख़िलाफ़ु टारगेट करे हुन ते हमिलो करणो। हाणे असल ॻाल्हि आहे त हीअ मूं ॿुधायो न,
ही मुल्क के ठाण चाहन को मुल्क के भलाई बेहतरी ला को तिठो हों स्पीच जिन भी कई है वह का भी अड़ी कई कान टारगेट पीपल पार्टी टारगेट नवाज शरीफ टारगेट पीपल पार्टी करप्शन ए भाई करप्शन चा वो तो पानी कोर्टू अदालतू खुल पन उन फैसलो तो अदालतू क्यों न हि सिर्फ पॉलिटिसाइज पे हल्ले मुख्य हैरत ही वे तो हि जी अड़ी स्टेटमेंट दीन था सियासी मूँ तो ये अनी को सिंध असेंबली में अस वे आया सच तो बुध अस दुख तो थे ढो तो कड़ा किथा किथा अनाड़ी मूँ आया कैमल डांसू पा कन कैमल कड़ी जबान पा गाल कैमल कि पा कन अरे बाबा अभी एम पी ए उन लेवल ते अभी एडा एम एन ए आयो तो एम एन एम पी ए जो स्टेटस होंदे सजो अभी मन समझ आवाम के बुधान चाहो तो रुगे कूड़ ड्रामू एक गाल भी चाहें तो नाजी साहब के गवर्नमेंट की विदाउट अचण गवर्नमेंट के अचण अग में भी या गवर्नमेंट के अचण का बिन साल में का हिकड़ी गाल हुननि जी का साबित थी हुए पीपल पार्टी ते नवाज शरीफ ते तब ठीक बी सूरत में चाहें तो अभी मान की खिदमत करना आया न अभी खिदमत जहाँ पैकेज बुधायो अभी आवाम के रिलीफ जहाँ पैकेज बुधायो अभी मुल्क की भलाई बेहतरी ला सराजो दस जो हाँ वो न सिर्फ़ है सिर्फ छा पॉलिटिसाइज क्रिटिसाइज सर हे हिंसर वेठन तो सच तो बुध गवर्नमेंट में लगन अच्छा बी वही गाल बुधा इन मवाद है ही को हैसियत भी कोने होते ब्रेक जो टाइम जा ब्रेक ब्रेक खां पोता अचूं मैडम डे हलदा दे एमएनए साहब बारे डिस्कस वेलकम एग्रम मैडम आपके लोग खुद कह रहे हैं ना अपोजिशन कह रही है ना किसी ने कहा माइनस की बात खान साहब ने बात की और दूसरा शेख रशीद साहब कह रहे माइनस थ्री खुद ही लोग आपके प्रॉब्लम पैदा करें खुद ही कह रहे हैं हम कमज़ोर हैं कोई और नहीं कह रहा देखिए ये जो बात है ना माइनस वन वाली ये अगर प्राइम मिनिस्टर ने की है तो वो इसलिए की है कि बिलावल भुट्टो की आप तकरीर देख लें जरदारी की वो यही फरमा रहे हैं कि जी आप रिज़ाइन कर दें उसके अलावा आसिफ ख्वाजा आसिफ उनका भी यही है कि आप रिज़ाइन कर दें क्यों रिज़ाइन कर दें जो पूरी दुनिया उसके पीछे लगी हुई है वोट लेके आए हैं वो खुदा ना खास्ता सिलेक्टेड नहीं है जो इन्होंने पहले दिन से शुरू किया इस तरह की कोई बात नहीं है वो आदमी इलेक्ट होके न सिर्फ वो बल्कि हम सारे जितने एमएनएस हैं वो सब इलेक्ट होके आए हैं ये और बात है कि सबको वोट प्राइम मिनिस्टर के ही नाम के पड़े हैं खान साहब ना होते तो पीटीआई ना होती खान साहब को माइनस करने का मतलब ये है इस प्राइम मिनिस्टर को माइनस करने का मतलब ये है कि पीटीआई इज़ नो मोर ये नहीं मैं कह रही कि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है कोई मिसहैप हो जाता है कोई डेथ हो जाती है तो उसके बाद कोई नहीं खड़ा होगा डेफिनेटली लोग आ जाते हैं लेकिन यहाँ पे ना ख़ानदान है ना दोस्त हैं ना औलाद है ना कोई इस की तरह की चीज़ है जो सामने आए और कहे कि मैं क्लेम कर रहा हूँ जिस तरह आपने देखा है कि बाप बेटी दामाद अब नवासा ये चीज़ चल रही है और उसी तरह वहाँ पे भी है कि बाप भाई भाई अब वो बेटी साहब आगे तैयार हो रही हैं लेकिन बात यह है कि पीटीआई में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है और मैं आपको बताऊं प्राइम मिनिस्टर ने इंतहाई खामोशी से हमारे जवान जो हैं जिस तरह मुराद सईद है अली मोहम्मद ख़ान है और इस तरह के हमाद नज़र है या और लोग उन वो तैयार हो रहे हैं इस काम के लिए कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो वो दे कैन टेक ओवर इट ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे कोई और नहीं है लेकिन इस तरह माइनस वन नो दिस इज नॉट पॉसिबल खुद होते थे सबसे डिमांड करते थे कि आप रिजाइन करें इस उन्होंने कुछ किया नहीं है लेकिन किस, माइनस नहीं। किस बात पे रिजाइन हो किस शेख रशीद ने क्यों कहा शेख रशीद को तो मैं बिल्कुल बदर ही नहीं करती उनकी किसी बात के ऊपर उनको शौक होता है टीवी पे आके बोलें वो बोल के चले जाते हैं उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता अभी बीमारी से उठे हैं तो इतने दिन का गैप था वो आके उन्होंने बड़ा लेक्चर दे दिया और बात वो उन्होंने बात करनी है तो अपनी रेलवे पर करें उसको क्यों नहीं ठीक करते वो कितने हादसे हो चुके हैं क्यों नहीं फाटक बनाते हर जगह पे क्यों इस तरह की जगह रखी हुई है जहाँ पे लोग आके मर जाएं खुदा ना खास्ता कितने कितने बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं उनको पर उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए उन्हें रिजाइन करना ना करना इज समथिंग हां ने बोला था जब गवर्नमेंट की हुकूमत थी उस टाइम पे जो मिनिस्टर था साद रफीक रेलवे इंसिडेंस हुआ था बड़ा एक्सीडेंट हुआ था तो इमरान खान ने कंटेनर पर बैठ के बोला था कि इसको फौरी तौर रिजाइन देने चाहिए पहली रेलवे मिनिस्टर को बिल्कुल मैं तो कहती हूँ कि देना चाहिए उन्हें जब इतना बड़ा काम हो रहा है बार बार लगातार कोई एक एक्सीडेंट नहीं है चार चीजें मैं आपसे पूछूंगा एक सबसे पहले
आपके इत्तहादी आपको छोड़ के चले गए, मतलब कोई छोड़ के मेंगल साहब आ जाएंगे वापस, वो तीन दफा पहले भी जा चुके हैं, अभी तो देखें अभी तो गए, तीन दफा पहले भी जा चुके हैं हमारे साथ ही, आपके भाई साहब अमेरिका को इंटरव्यू दिया, आपके फवाद चौधरी ने हमारी पार्टी के अंदर डिफरेंसेस हैं, रिफ्ट्स हैं, एक एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग करते हैं, पहले असद उमर को निकाला, ठीक है बात रिपीट करने की जरूरत नहीं, मुझे एवरीबॉडी नोस, लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि जो फवाद ने बात की है कि रिफ्ट है नहीं, हर पार्टी में झूठ है, नहीं मैं ये न सच बात की तो बात ही नहीं कर रही, मैं बात ये कर रही हूँ कि हर पार्टी में इस तरह की रिफ्ट होते हैं, क्या इनके पास नहीं थे, क्या वो खड़े होके उसने उनके दामाद आला ने नहीं कहा था कि दो वजीर आजम को उसने फंड नहीं दिए बंदे ने, जो भी वट एवर था, तो ये इस किस्म की कमजोर हुकूमत है, बिल्कुल कमजोर हुकूमत नहीं, किसने का है, बिल्कुल कमजोर, मैंने कभी नहीं कहा मैं मजबूत है कुर्सी मेरी, देखिए अपनी कुर्सी की बात कर रहे हैं, वो हुकूमत की बात नहीं कर रहे हैं, इंसान की हैसियत से बात कर रहे हैं कि एक इंसान बेइंतहा कमजोर है, अभी मैं यहां से निकलती हूँ आगे मेरा सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है मैं किधर रह जाऊंगी, एक मिनट में ऊपर चली गई बात खत्म, कमजोरी माइनस आप लोग करना चाहते हैं, अपोजिशन माइनस करना चाहती है, वो कह रही कि ये बात है, देखो माइनस करना चाहे जो तुम दिखो हों पेरे दी चेयरमैन को चेयरमैन स्पीच में जो तन्याजी साहब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन उसके बाद देखा कि दो साल की पहले बोला 100 दिन में हमारी कारकर्दगी होगी, फिर बोला 300 दिन में कारकर्दगी, अभी दो साल, इतना बड़ा कोरोना वबा आई, कोई भी कोरोना में कोरोना पे सियासत नहीं होनी चाहिए, एक इंटरनेशनल वबा आई है, हमारा मुल्क पहले ही वजह कमज़ोर मुल्क उस पर वबा आई है, तो हम सब चार प्रोविंस और वफाई गवर्नमेंट इकट्ठा, चीफ एग्जीक्यूटिव आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हो तो मिली जुली अभी एक बे में तावन करे वबा में जान छाया कोऑपरेशन कोनी को तान को सिंध गवर्नमेंट जेके भी इकदाम सुटा खया पे उनके पूरी दुनिया में सुठे नज़र से असाजा दोस्तन बारे मुल्क में रहन था उन्हें भी सीएम सिंध के सारा WHA भी सारा पर खान साहब जी अना खान साहब जो जिद खान साहब जी पांजी स्टेज दी माना कोरोना वबा में तो अभी तो अमवात बहुत कम हुई है मैंने समझा बहुत होंगी तो मैंने बजट के स्पीच में भी ये बोला था उसमें क्या बुरी बात है मैं आपको बता रहा हूँ एक मिनट मैं बात पूरी करूँ मैं बात पूरी करूँ तो मैं कह रहा हूँ कि खान साहब की उम्र क्या थी 1,20,000 से ज्यादा बढ़ चुकी है ओके मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान का क्या मतलब था कि अमवात ये कम है तो और अमवात ज्यादा हो जाए तो फिर चेयरमैन ने क्या बोला ये तो हमारे मुल्क के लिए प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का दुश्मन है तो फिर बोला कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के लायक नहीं है ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है अगर इलेक्टेड होता तो इसको आवाम का दुख दर्द होता मुल्क का दुख दर्द होता दूसरी जमायतों का दुख दर्द होता और दूसरी बात स्पीच करके बजट में आपने देखा फिर कैसे चोर दरवाजे से भाग गया ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का काम नहीं है ठीक है आप बोल रहे हो तो आपको सुनना भी पड़ेगा जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बारी आई जब आसिफ अपना नून लीग के ख्वाजा आसिफ साहब की बारी आई तो मैं टीवी पे लाइव देख रहा था ये चोर दरवाजा ऐसे निकल गया ये ईगो ये जिद एक दरवाजा है जिससे वो आते हैं जिससे वो जाते हैं मुल्क को तबाह कर रहे हो मैं कह रहा हूँ कि आप पता चला 5 साल के बाद अब सिलेक्टेड होके आए हो तो आवाम का काम करो दूसरी बात मैडम 2 साल में आप देखो तो 2 साल की परफॉर्मेंस देखो 2 साल क्या आपने किया है मैडम से पूछो आवाम से पूछो मैं कह रहा हूँ आप कंटेनर बैठ के दावा लगा रहे थे ना तो आप 2 साल की इससे तो बेहतर देखो मैं ये और आगे नहीं जाता हूँ मैं सर नून लीग के स्टील प्रोजेक्ट पे खान साहब के जो बंदे बैठे हुए थे क्या कंटेनर बैठ के एस्टिमेट देख हाथ हिला के असद उमर ये सर गले में रुमाल पहन के पीटीआई का हम बेरोजगार नहीं करेंगे हम एस्टिमेट खोलेंगे नवाज शरीफ मुल्क को तबाह कर रहा है क्या किया ठीक है मैडम एक कोरोना की वबा दूसरा बेरोजगार स्टील मिल चलती हुई स्टील मिल मुशर्रफ छोड़ के गया था ठीक है उसके बाद किसकी हुकूमत आई थी ठीक है इनकी वो चलती हुई मिल बंद की गई है उसके अंदर आज भी वो लोहा मौजूद है उस मशीनों में आप जाके देखें इन्होंने जान के किया ये सारा इसको तबाह करने के लिए बातें इन लोगों को करनी आती हैं लेकिन इस मुल्क को तबाह करने में 100% इन लोगों का हिस्सा है चाहे वो स्टील मिल है चाहे वो PIA है चाहे कोई और इदारा है सब मिल के तबाह किया गया पाकिस्तान को तबाह करना पीटीआई ने
पीआई को क्या कर दिया है, क्या हमने स्टेटमेंट क्या दी है, मैडम का जवाब है, मैडम का आपने किया है तबाह, हम उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टील मिल को किया नहीं जा सकता था, दो साल बहुत कोशिश की है कि किसी ना किसी तरह उसको चला लें, लेकिन आप ये देखें इतने सालों से वो बंद है और वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाहें मुफ्त मिल रही हैं, वो कहीं और भी जॉब कर रहे हैं और यहाँ पे इससे भी तनख्वाह ले रहे हैं। उसको ख़त्म करने के लिए ये एक चीज़ आई है कि चलो इसको बेच दिया जाए या कुछ और इसका काम किया जाए जिससे कम अज़ कम उन लोगों को एक पैसा मिल जाए। 27 लाख या 23 लाख रुपये पर पर्सन मिल रहा है, कभी किसी ने ख्वाब में उन्होंने सोचा होगा इतने पैसे मिल जाएंगे? उसके बाद वो बिज़नेस करें, उसके बाद वो उसको किसी तरह अपना घर बना लें, दुकान बना लें, जो उनका दिल है वो करें, लेकिन उनको खाली नहीं छोड़ा जा रहा। जो ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि जी उनकी रोज़गार ख़त्म हो रहा है, इस तरह की बात चलाया नहीं जा सकता, चलाया नहीं जा सकता। दो साल कोशिश की गई है कि उसको चलाया जाए, लेकिन वो मशीनरी इस बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है कि उसको दोबारा चलाना हमारे बस की बात नहीं है। दूसरा सवाल मैडम, एक दूसरा सवाल, दो साल के अंदर आपने तकरीबन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 4 चेयरमैन आपने चेंज किए, यानी कि 4, अभी नौशीन अमजद को भी चेंज किया, उससे पहले भी आपने शब्बर जैदी और कितने ही लोग, क्यों बार बार चेंज करने पड़ते हैं मैडम? देखिए वो क्यों नाकामी नहीं, मैं बता रही हूँ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स वो अभी तक पिछले साल के आप समझें जून से पहले तक के जो हालात थे उसमें ब्यूरोक्रेट्स अभी तक नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ काम कर रहे थे, जिसकी वजह से चलता आ रहा है। हाँ बिल्कुल चलता आ रहा है, इसलिए कि उनको आदत है उनके साथ काम करने की और वहां से उनको किकबैक मिलता है बहुत ज्यादा। ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद हूँ मैडम, सवाल देता हुआ आपको जा रहा हूँ, इदारे भी आपसे नहीं चल रहे, ब्यूरोक्रेट्स भी आपके कंट्रोल में नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स भी आपके कंट्रोल में नून लीग के ना, दो साल तक ब्यूरोक्रेट्स भी आपके कंट्रोल में, इदारे भी नहीं उनको बेच रहे हैं जिस तरह आप करेंगे, पैसे उनको देंगे, महंगाई बेरोजगारी भी आपके कंट्रोल में नहीं, जॉब्स भी आप नहीं दे रहे, तो दो साल तो गुजर गए, 3 साल में आप क्या करेंगे? ब्रेक का टाइम, ब्रेक टाइम जब ब्रेक का वेलकम मैडम, इदारे भी नहीं चल रहे आपसे, महंगाई बेरोजगारी भी आपसे कंट्रोल नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स भी इनके नून लीग के 2 साल भी गुजर गए, कुछ नहीं किया, आगे कैसे चलेंगे? आपको किसने कह के कुछ नहीं किया? जितने मर्जी हालात ख़राब थे, ख़राब हैं, उनको किसी ना किसी तरह कवर करके आगे चल रहे हैं हम लोग। आपको पता है 5,000 अरब रुपया जो है वो कर्ज की सूरत में अदा किया गया है, सूद की सूरत, कर्जा लेकर बिल्कुल, इसलिए कि जब इकॉनमी में कुछ था ही नहीं, आपके पास खजाने में कुछ था ही नहीं, सारा कुछ तो लूट के ये लोग ले गए, बाहर जो इतने बड़े बड़े इनकी जायदादें बनी हुई हैं वो पाकिस्तान के पैसे से बनी हैं, वो आवाम के पैसे से बनी हैं, वो जब ख़त्म हो चुका है और हमारे पास कुछ पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? यही करेंगे ना कि दोस्त ममालिक के पास जाएँ या मुसलमान मुल्कों के पास जाएँ। आपको पता है कि कोशिश यही की कि IMF के पास ना जाएं, 1.5 साल कोशिश की कि IMF के पास ना जाएं, लेकिन ज़ाहिर चीज़ें नहीं संभल रही थी, पैसे नहीं थे तो उनके पास जाना पड़ा। जब उनके पास गए हैं तो अब ये कि इकॉनमी हमारी ऑलमोस्ट संभल चुकी थी, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच कोरोना से पहले की थी कि अब हमारी इकॉनमी स्टेबल हो गई है, लेकिन उसके बाद कोरोना आ गया और बड़ी बड़ी इकॉनमीज टॉपल डाउन हुई हैं। ये बात नहीं है, ये जो हंसते हैं या बात करते हैं ये किसी के ऊपर भी आ जाता तो ये हालात होने थे। अमेरिका को देख लें, चाइना को देख लें, बड़े बड़े ममालिक को देख लें, सबके इकॉनमीज माइनस में जा रही है, हमारी तो फिर भी -1 पे है, हमारी इकॉनमी इतनी ज़्यादा नीचे नहीं गई है जितनी कि जानी चाहिए थी। असूलन अमवात की जहाँ तक बात है वो कम है, आप दूसरे तमाम ममालिक इंडिया को देख लें, हर मुल्क को देख लें, उससे कम है हमारे यहाँ, क्योंकि वो प्रिकॉशन इस तरह की ली गई कि टोटल लॉकडाउन नहीं किया जा सकता था। एक मुल्क जिसके पास लोग आप समझ लेंगे 60% लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे हैं, वो कि वो रोज़ कमाते हैं तो रोज़ खाते हैं, जब उनको आप बंद करके रख देंगे तो कितने दिन के पैसे होंगे उनके पास? लेकिन आप कोरोना के पीछे छुप रहे हैं, 3 महीने हुए कोरोना, 3-4 महीने हुए, छुप कहां से? पहले भी इकॉनमी बेहतर नहीं थी, इकॉनमी स्टेबल हो गई थी, छुप नहीं रहे हम, ये बिल्कुल बताया है प्राइम मिनिस्टर ने कि हमारी इकॉनमी स्टेबल हो गई है, अब इंशाल्लाह आगे प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे, लेकिन उस प्रोग्रेस के आने से पहले ही कोरोना ने, आपको पता है कोरोना में पैसे कितने खर्च हुए, ये 12,000 रुपीज़ जो
पर पर्सन मिले हैं, ये कितने अरब रुपए हैं जो लोगों को मिले हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो कन्वर्ट करके उनको दिलाया गया। आप कहेंगे बेनजीर इनकम सपोर्ट, बेनजीर इनकम सपोर्ट चीजों को, ऐसी ऐसी चीजों को आप छेड़ देते हैं, ऐसी ऐसी चीजों को, जिस तरह खान साहब कभी सूबों के बीच में तजादात पैदा करते थे, कभी 18th अमेंडमेंट को, कभी NFC, जैसे कल सदर पाकिस्तान ने एक चीज कह दी जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी, 18वीं तरमीम पे नजरसानी से बेहतरी आ सकती, उसको नहीं कहना चाहिए था। वफाक और सूबों में इख्तलाफात चलते रहते हैं, पाकिस्तान में मदर पिदर आजाद करप्शन है, ये चीजें उनको तो जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, ऐसी चीजें क्यों बिल्कुल कहते हैं? जोड़ना चाहिए, लेकिन एक्चुअली दो साल से वो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं ना क्या हो रहा है। ये जो NFC अवार्ड हुए हैं इसमें हर सूबे को इतने पैसे मिल जाते हैं कि वो अपने सूबे को बेहतर करे, लेकिन हुआ क्या है कि आप देख लें, अगर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जाके, मैं बार बार ये बात करती हूँ, मैं 2012 से हर शहर में जा रही हूँ, मेरा पहला शहर कश्मीर था, 2012 की बात कर रही हूँ, उससे लेके मैं डेरा मराजमाली ढाडर तक गई हूँ, एक एक शहर सेवन शरीफ में 2 महीने के दौरान 7 दफ़ा गई हूँ, मैं इतना देखा है मैंने सिंध का एक एक शहर, और मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि वहाँ के लोगों के हालात क्या हैं। आप यकीन कीजिए, आपको इस तरह के काले रंग के लोग नज़र आएंगे जो नॉर्मल नहीं होते, जो इंसान के रंग नहीं होते। पता चला कि उनको हेपेटाइटिस सी है, वो नमक वाला पानी पीते हैं, थर में नॉर्मल पानी है ही नहीं। तो ये कहते हैं कि जी हमने, मुझे एक ईमानदार बताएंगे मैडम, आप मुझे बताएं, पूरे कोई भी बात झूठ पूरे ऐसे पूरे पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान, चलो आपके इत्तेहादी हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी अपनी अपनी हुकूमत है, पंजाब में आपकी अपनी, NICBD जैसा कोई इदारा है उधर? नहीं नहीं है बिल्कुल। तो ये सिंध के अंदर है ना, इनको क्रेडिट देना पड़ेगा, तो दिया है वो गंबर जैसा इदारा है, लेवर जैसा, उसको 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 डिनाई नहीं किया गया, लेकिन क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों नहीं है। हमारी हुकूमत नहीं थी, हमारी हुकूमत नहीं थी, अभी तो है ना, तो अभी है ना, तो अभी तो बहुत सारी 7 साल हैं, बेशक 7 साल हैं, लेकिन ये चीजें एक दिन में नहीं बनती, या 2 सालों में, या 5 सालों में, या 7 सालों में नहीं बनती। कई जगह बुनियादें रखी गई होंगी जो कि आस्ता आस्ता नजर आएंगी, इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एक दिन में तैयार हो जाए। आपको पता है मुराद अली शाह जैसा CM एक्टिव है कोई भी दूसरे सूबे में? पढ़ा लिखा, समझदार, डायनामिक, अच्छा, एक्टिव, देखें सब लोग काम कर रहे हैं, आप किसी को भी कुछ नहीं कह सकते, किसी की पर्सनैलिटी अगर इतनी अपीलिंग नहीं है। देखें NCOC में, जैसे एक NCOC बहुत ही एक इदारा है जिसमें ज्यादा फौज के CM सारे आते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, उनकी प्रेजेंटेशन देखी जाती है, पावर पॉइंट्स पे उसको देखा जाता है, कौन एक्टिव है, किस तरह स्ट्रैटेजीज हैं, कौन बोलता है, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है, इनको अप्रिशिएट किया है, सब कुछ का, तो उसमें क्या बुरी बात है? लेकिन अगर वो डायनेमिक हैं, वो बाहर से पढ़ के आए हैं, मैं बात ये कर रही हूँ, मैं यही बात कर रही हूँ, और दूसरा आदमी जिसने बाहर से एजुकेशन नहीं हासिल की, या उसकी पर्सनैलिटी इतनी थोड़ी सी ढीली लगती है, लेकिन परफॉर्म वो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। आपके पास आता हूँ, ठीक है, मैडम कह रही है कि हम काम कर रहे हैं बेहतर, असा सुठो कम क्यों था, बेहतर कम क्यों था, ता मुल्क के तबाह करे हो, जेको गुर्बत दई हो, महंगाई दई हो, बेरोजगारी दई हो, ता दई पेरी ता दिसा दिस मैडम ता गाल न करे रही, CM साहब जी गाल नथी, तो मुझे ख्याल में त इतरा अनाड़ी मानु न जो असा के सच तो बुधाया था, खुद दुख थे तो CM पंजाब के एतरी खबर कोन हुई त कोरोना वबा छा है, तो पूछ रहे कोरोना काटता कैसे है, ना कोरोना को कोई मच्छर है जो काटेगा, इनकी मिनिस्टर, वफा की मिनिस्टर, उसको इतना पता नहीं है कि COVID-19 का मतलब क्या है। देखिए यार, ये भी कोई चीज है, नहीं एक मिनट, ये इतनी एक मिनट, पूरी कोरोना वबा चल रही है, SOP, उसको इतना अलीम आदल फ्लोर पे इनको मीडिया वाला पूछा SOP का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो उसको SOP का पता नहीं है। गवर्नर पंजाब, गवर्नर पंजाब जो इंग्लैंड से नेशनल यहाँ पे आया है, मुझे बोलना, देखो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये हकायक है। वो कहता है कि कोरोना गले तक महदूद है, आप पेट में अंदर जाएगी तो कोई नुकसान नहीं है, तो मतलब कह देगा सच्ची इसमें कोई एजुकेशन की, अगर एजुकेशन नहीं है, देखो
आपको बारी आएगी, आप बोल ना, आपको बारी आएगी। तो मुझे सब कहने का मतलब ये कि इसमें इनको इतना इल्म नहीं है, पता नहीं क्या ये, इसमें तालीम का भी इतना रोल तो नहीं है ना, कोई तालीम है ठीक है, कोरोना का पता ब्रीफिंग तो ले सकता है ना, लेकिन नहीं। दूसरी बात ब्रीफिंग तो ले, दूसरी बात ब्रीफिंग तो लेनी चाहिए। दूसरी बात, एक भी इदारा 7 साल में जो सूबे सिंध में है, मुझे एक भी इदारा ये KPK में 7 साल में दिखाएं तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। BRT का प्रोजेक्ट कहाँ पर रुला हुआ है? एक हॉस्पिटल बेहतर नहीं है? अच्छा, मैं अभी 3 हफ्ते पहले बजट से पहले पेशावर में गया, मेरा ड्राइवर 4 से 10 का है, KPK में मैं गया, उधर अपना इलाके में बोला कोरोना की टेस्ट नहीं हो रही है, उसकी फैमिली पूरी इधर आई है सिंध में कोरोना की टेस्ट कराने। अभी ये हाल है KPK का, मैं बता रहा हूँ ये हाल, ये मेरा ड्राइवर है बैठा है नीचे, उनसे जाके पूछो भाई टेस्ट ही नहीं हो रही है। मैंने ट्राई की, फिर मैंने पार्टी के बंदे को फ़ोन किया, यार ये बोला कि भाई PTI गवर्नमेंट का ये काम है, अरे पता नहीं कौन सी तारीफ कर रहे हैं, मुझे एक प्रोजेक्ट बताओ NICVT का, एक प्रोजेक्ट बताओ SIUT का, एक बताओ गंभट इंस्टीट्यूट का, कोई भी नहीं होगा। असल क्या है, ये असर सिंधी में मिसाल है, मैं खिलेती ढगीअ सां हल पुछ कारी, ए तूं त सॼो कारो ई, PTI टोटल कारी है। अच्छा, जहांगीर तरीन करप्शन करे, लूटमार करे, चीनी चोर थी त भॻो, असां ख़बर नाही वो कैसे गया है, छा हिनखे ईमानदार है न्याजी साहब, ईमानदार है, छो हिनखे इजाज़त नहीं, PTI खे छो इजाज़त नहीं, चीनी चोर है, आटा चोर है, अनी चओ था PTI करप्शन कई, PTI करप्शन कई, PTI करप्शन कई, नून करप्शन कई, ठीक अनी इहा चओ न त अनी गवर्नमेंट वटि इहो त ॿुधायो जेके अवां कहिड़ा कारनामा सरंजाम ॾिना, आटा चोर चीनी चोर उसको तो काबू करो, उसको तो अंदर दो, क्यों उसको अंदर बाहर भेजा है, हाथ से जहांगीर तरीन को भेजा है। अब ये आपस में बनते नहीं है, आपस में बनते नहीं है, एक भी नहीं है। कभी भाई शेख रशीद हमारा इत्यादि तो नहीं है, शेख रशीद इनका इत्यादि है, मैंगल इनका इत्यादि है, फवाद चौधरी इनका PTI का है, क्या स्टेटमेंट आ रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ वो खुद दे रहे हैं, उतने इसमें फोट है, पाकिस्तान पीपल पार्टी का कोई भी ऐसी गलत स्टेटमेंट नहीं देगा। अब ये हाँ ये क्या बोलेंगे, पीपल पार्टी में लोग नाराज बैठे हुए हैं, आपने कभी मीडिया पे देखा है कि पीपल पार्टी से कोई नाराज बैठा हुआ है? ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क्स मैडम, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स क्या हैं? देखिए इनकी जहाँ तक बात है ना कि वो लोग आके बोलें, वो इसलिए कि हमारी पार्टी में जमहूरियत है, हम खान साहब के मुंह के आगे बैठ के कहते हैं कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है, मुंह कर रहे हैं ये, कोई काला मुंह नहीं कर रहा, गवर्नमेंट जमहूरियत के नाम पे आज मीडिया के 24 आवर चैनल को बंद किया है। मैं कहता हूँ कि इंजाजी ने ये बहुत गलत काम किया है, जमहूरियत होती तो मीडिया आजाद होती, सारा दिन जो आप लोग बोलते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक आजाद नहीं है, मुझे ये बताएं कि जो ये बात कर रहे हैं मीडिया आजाद नहीं है, या ये बेनजीर के आगे ऐसे हाथ बांध के खड़े रहते थे, जरदारी के आगे इसी तरह, इनके मजाल नहीं किसी के बाप की के वो आके बोले कोई बात खिलाफ, कौन गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर था तो क्या बोलता था, हर बंदा अटेंडेंस थी, हर बंदा मिलने जाता था खान के पास, दुनिया बताएगी, मैं नहीं पाकिस्तान के अवाम PTI के खुद MLA बोलेंगे खान साहब मिलने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल हाथ देने के लिए, हाथ कैसे दिया है ऐसे, ये MLA ऐसे हाथ देता है। अब देखो ये अच्छा बैठता कैसे है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं इधर टॉक शो में करके देख रहा हूँ, जूता ऊपर करके टेबल पे बैठ के ऐसे हिलाता है, ए बाबा तुमको डिक्टेटर हो क्या हो, तुमको पॉलिटिकल बंदा होना चाहिए, पॉलिटिकल नहीं है, असल उसको पॉलिटिक्स का एहसास नहीं है, सियासी बंदा है नहीं, ये बात उसने एक अच्छी बोली, खानदानी सियासतदान नहीं है, चोर दरवाजे से आया है, उसकी उसके न बच्चे इधर, न उसकी बीवी इधर, न उसके बच्चे इधर, न उसकी फैमिली इधर, मतलब क्या होगा, मुझे तो समझ में नहीं है, दूसरा दूसरी बात, ये बनी गाला को संभाल नहीं सकता है, बीवी इधर है इनकी, मतलब ये बनी गाला को भी संभाल नहीं सकता है, तो ये बुरी को कैसे संभालेगा, तो ये इनको वो है नहीं ना कोई, इसमें मैं कहता हूँ कि कोई चीज मुझे दिखाओ तो सही, पता तो चले इसका कुछ है ही नहीं, ये PTI वाले एक भी बात होती अच्छी, अच्छा ये क्या है कि इनके पास होता ही नहीं है बात बोलने का जवाब है ही नहीं, फिर ये भाग जाते हैं, दो तीन चैनल से मेरे से भाग गए सिर्फ ऐसे, मैडम जो है ना प्रोग्राम खां उथी भाई नादिन इन सा गडिंदो इजाजत।